तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप JLC PCB से PCB ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने PCB को ऑर्डर किया था और वो मेरे पास आ भी चुका है। तो ये देखिए कितने हाई क्वालिटी PCBs है ये। तो ये आपको कैसे ऑर्डर करना है, और यहाँ पर आप सभी लोगों को $54 का फ्री कूपन भी मिलेगा, और उस कूपन को यूज़ करके आप अपने फर्स्ट ऑर्डर को बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे क्लेम करना है, तो यही सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप सभी लोग क्या करना पड़ेगा मैं अभी आप सभी लोग बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जाना है क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को सर्च करना है JLCPC। तो JLCPC पे सर्च करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को साइन अप कर लेना है सबसे पहले। तो यह देखिए यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर से आपको साइन इन कर लेना है। तो यह देखिए हमारा साइन इन विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी लोग कोई सा भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन विद गूगल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर से आप सभी लोग जो कोई सा भी ईमेल आईडी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला ईमेल आईडी चूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अभी हमने साइन इन कर लिया है, और साइन इन करते हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 to 6 8 लेयर PCB मात्र आपको $2 मिल रहा है, इससे साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और गाइस इससे हाई क्वालिटी PCBs आप सभी लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर देख सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक गर्वर फाइल मांग रहा है। तो अगर आपके पास गर्वर फाइल नहीं है तो आप PCB ऑर्डर नहीं कर सकते। तो गाइस गर्वर फाइल को आपको कैसे बनाना है, तो चलिए अभी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो गर्वर फाइल बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उस वेबसाइट को सर्च करता हूँ, और उस वेबसाइट का नाम है EasyAdder। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है EasyAdder। तो ये देखिए ये जो हमारा EasyAdder आ रहा है, और सर्च करते जो हमारा पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ रहा है ये देखिए, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने पहले से इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। तो इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है EasyAdder डिज़ाइनर पर, और यहाँ पर आप सभी लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक प्रो एडिशन। तो आपको स्टैंडर्ड एडिशन में क्लिक करना है, क्योंकि प्रो एडिशन में आपको पैसा लगेगा। तो आप मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन में क्लिक करता हूँ। और देखिए गाइस स्टैंडर्ड एडिशन में क्लिक करते ही हमारा जो मेन विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग कोई सा भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम रख दे रहा हूँ, ये मैंने रख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो PCB डिज़ाइन का विंडो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर से आप कोई सा भी सामान ले सकते हैं। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को यहाँ पर से कोई सामान लेना होगा तो आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस पर आपको सिंपली आप सभी लोग इसको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग एक बार क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ऐसे ही आप सभी लोग कोई सा भी कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स आप सभी लोग को ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सभी लोग को इसको जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऐसे करके इस सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं, ये देखिए, यानी कि आप वायरिंग कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो गाइस PCB बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो चलिए मैं एक PCB बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी लोग को मिलता हूँ। तो देखिए गाइस हमने एक PCB को यहाँ पर बना लिया है। तो चलिए अभी आप सभी लोग क्या करना पड़ेगा मैं अभी सभी लोग बताएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इसको सेव कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से सेव करके रखा हुआ है, देखिए ऊपर में एक कोने में एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर से आप सभी लोग इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग क्लिक करना है, ये देखिए, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप सभी लोग क्लिक करना है यहाँ पर। और क्लिक करते ही गाइज यहाँ पर आप सभी लोग पहुँच जाएंगे दूसरे वाले विंडो में, और यहाँ पर आप सभी लोग बहुत सारे सेटिंग करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इन सभी को अरेंज करना है। आपको आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको सजा लेता हूँ। तो देखिए गाइस अभी आप सभी लोग देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरीके से अरेंज कर लिया। तो अगर आप सभी लोग को इसको 3D व्यू में देखना है तो अभी मैं आप सभी लोग बताता हूँ आप सभी लोग इसको 3D में कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पर 2D और 3D। तो यहाँ पर आप सभी लोग 3D में क्लिक करना है, और 3D में जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये जो आपका PCB का डिज़ाइन है वो आपको 3D में दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं अपने PCB को ये ठीक तरीके से बना है या फिर नहीं बना है। तो गाइस इसके बाद इस PCB में आपको वायरिंग करना पड़ेगा। तो वायरिंग कैसे करना है अभी मैं आप सभी लोग बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राउट में क्लिक करना है, और राउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग ऑटो राउट पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे, और ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग ओके कर देना है। और ये देखिए हमारा वायरिंग कंप्लीट तरीके से हो चुका है। तो इसके बाद आप सभी लोग इसको सेव करना है,
तो सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोने में एक सेव का बटन है, जिसके बाद आप उसको सेव करना है। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप सोलो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सोलो क्लिक करना है। तो देखिए हमारा जो पीसीबी है वो कंप्लीट तरीके से बन चुका है। तो इसके बाद आप सोलो को गरबा फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा गरबा फाइल का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं फिर से JLCPCB की वेबसाइट में, और यहाँ पर हम ये देखिए गरबा फाइल के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम गरबा फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा गरबा फाइल यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हमारा जो गरबा फाइल है ये हमारा कंप्लीट तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुका है, और हमारा जो पीसीबी का डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप सब लोग को लेयर सेलेक्ट करना है दो, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप सब लोग कोई सा भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पर येलो करूँगा तो ये येलो हो जाएगा, और यहाँ पर मैं ग्रीन करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद पर्पल करूँगा तो पर्पल हो जाएगा। तो आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव टू कट, तो हम सेव टू कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू कट पर क्लिक करेंगे, और व्यू कट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को चेक करना है इस बॉक्स में, और चेक बॉक्स में चेक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को सिक्योर चेकआउट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही यहाँ पर आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, तो मैंने पहले से एड्रेस डाला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शिपिंग चार्जेस $72 लग रहा है, तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को DHL एक्सप्रेस लिखा हुआ है ना, इसको आपको हटा देना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा और टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा आप सभी लोगों को, तो इसको आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए AR रजिस्टर्ड मेल है, इसको आपको क्लिक करना है। टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें आपको कोई सा भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें आपको 3000 रुपये चार्ज लगेगा अलग से, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये देखिए हमारा जो अभी टोटल अमाउंट है वो $17 है। तो इसके तो गाइज अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको $54 का कूपन भी मिलेगा, तो उससे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फ्री में हो जाएगा। तो इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को PCB देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारा जो PCB प्रोसेसिंग में चला गया है, और यहाँ पर अप्रूव भी हो चुका है। इसके बाद अगर आप सभी लोग इस PCB को ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, तो $54 का फ्री कूपन आप सभी लोगों को मिल जाएगा, उससे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए वंदे मातरम गाइस।